अक्सर ये ख्याल मन में आता है, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। कुछ सवालों के जवाब अक्सर सवाल में ही छुपे होते हैं। हमारी क्षमता कहाँ तक है, हम अक्सर उसी से अनजान होते हैं। कुछ कहानियाँ जानना भी कभी कभी जरूरी होते हैं। विराट कोहली का क्रिकेट इंटरनेशनल डेब्यूट 20 साल के उम्र में हुआ था। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में गाया था। रितेश अग्रवाल ने महज 17 साल की उम्र में ओवायो रूम जैसा स्टार्टअप शुरू कर दिया था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 18 साल की उम्र में किया था। आलिया भट्ट को 19 साल की उम्र में फर्स्ट मूवी में काम करने का मौका मिला था। इस तरह की एग्जांपल्स में देते रह जाऊंगी तो वक्त कम पड़ जाएगा, कहानी नहीं। कभी कभी जिंदगी के दौर पर हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, बस यही सोच के परेशान होते रहते हैं। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर मुझे सफलता क्यों नहीं मिला, ये विचार हर रात क्यों मुझे सता रहा। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद, कई दिन भूखा पेट सोने के बाद और हर विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश को करने के बाद भी आज उस मुकाम में पहुंच नहीं पाए जहां जाने की तमन्ना थी। अगर ये ख्याल मन में आ रहा है तो पूछ अपने आप से, क्या इतनी ही तेरे अंदर क्षमता थी। खुद से ऑनेस्ट रहने की है बस तुझे जरूरत, किसी से ना कभी धोखा करने की आई कोई बुरी नीयत। मेहनत बस अपने दम पर तू करते जा, बिना सोचे क्या होगा कल का सूरज, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता, आज से ये बात जा समझ। हर किसी को लगता है कि उसी की स्टोरी सबसे बड़ी है, उसी के लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स है, पर मेरे दोस्त हकीकत इससे परे है। अपने लाइफ में हैशटैग लगाकर नोट कर लो मेरी इस बात को, अगर कोशिश करते रहोगे तो सक्सेस डिले हो सकती है पर डिलीट नहीं। सफलता जरूर मिलेगी पर उसके लिए वेट करना होगा और साथ ही साथ मेहनत का स्पीड सेम रखना होगा। दुनिया हमें गिरने पर मजबूर करती है पर गिर कर उठने का जोश हमारी अंतरात्मा जगाती है। गिर कर ना जो उठ पाया वो तो बुजदिल होगा, बुजदिल बन के जीने पर तू ना कभी मजबूर होगा। मैं जानता हूँ तू एक हीरो है, असली जिंदगी का हीरो, जो ना कभी किसी परेशानी से घबराएगा। I know you are a real creator, you can create your own destiny। तू अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, अपने आप पर विश्वास दिखा तो तू ही दुनिया बदल सकता है। अगर सक्सेस पानी है ना तो आज ही अपने आप को किसी से कंपेयर करना आज ही बंद कर, और इसके जरिए अपने आप को इंसल्ट करना स्टॉप कर आज ही बंद कर। तू जो भी जैसा भी है उसमें यूनिक है, नायाब है, तेरी तुलना किसी और से करना पाप है। मेरी ये बात सुनकर ऐसा मत सोच लेना मैं तुम्हें किसी और से इंस्पायर होने से रोक रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें खुद से परिचय कराने की कोशिश कर रही हूँ। कड़ी मेहनत और खून पसीना बहाने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल पा रहा तो मायूस ना होना, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अक्सर झोपड़ियाँ बहुत आसानी से बन जाती है पर महल बनने में बहुत टाइम और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो भाई सुन, सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिलता है, सक्सेस वो कठिन जाप है जिसको करने में चाहे सालों लग जाए पर इसका फल भी अनोखा होता है। सक्सेस के लिए कभी कभी टाइम लगता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लेट सक्सेस हुए हैं, जैसे कि बोमन ईरानी ने अपने एक्टर की लाइफ की शुरुआत 41 साल की उम्र में किया था। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 45 साल की उम्र में किया था। ऐसा नहीं कि ये लोग कोशिश नहीं कर रहे थे पहले से, बल्कि धैर्य और अटूट विश्वास मन में लिए वो बढ़ रहे थे उत्साह से। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, सक्सेस की कोई एज लिमिट नहीं होती, सक्सेस का कोई कंडीशन नहीं होता, पर बिना धैर्य और आत्मविश्वास का किसी को सक्सेस नहीं मिलता। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज एवरीथिंग इन वन सिंगल डे बट इट्स पॉसिबल टू चेंज एवरीथिंग वन डे। आज सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल जरूर अपना भी सवेरा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, पर उस दिन की इंतजार के साथ साथ लगातार मेहनत करते रहना होगा। हाँ मैं मानती हूँ एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता, पर अगर कड़ी मेहनत करते गए तो एक दिन जरूर बदलेगा। एक दिन वक्त अपना भी आएगा, जन्नत अपनी भी कदम चूमेगी, हर तरफ अपना ही नाम होगा, सब कुछ ठीक होगा, बस अपने धैर्य को अपने काबू में रखना होगा और खुद से कहना होगा रख हौसला अपने दिल में तेरा भी मंजर आएगा। याद रखना जब प्यास लगती है तब प्यासे को चलकर पानी के पास पहुंचना होता है, ठीक ऐसे ही कामयाब होने के लिए मेहनत करते रहना पड़ता है। कोशिश करोगे तभी तो एक्सपेक्टेशन बनेगा और एक्सपेक्टेशन एक दिन हकीकत में भी जरूर बदलेगा। बस एक गुजारिश है तुझसे मेरे दोस्त,
थककर ना बैठना तू बीच रस्ते पर, मंजिल का मुसाफिर है तू, हिम्मत ना हारना किसी भी परिस्थिति पर। मंजिल भी मिलेगी तुझे और जीने का मजा भी आएगा अपने सफर के आखिरी मोड़ पर। जब तक सफलता ना मिले तब तक खामोशी से दुनिया को ऑब्जर्व करते रहना और अपना दाव शिद्दत से खेलते रहना। जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन खिलाड़ी भी अपने होंगे और खेल भी होगा अपना, और उस दिन सारी दुनिया तेरे कदमों में होगा, तू बस देखते रहना। और ये फाइनली मेरे तरफ से, बिना मेहनत करे ऐसे ही मांगना बंद करो ऊपर वाले से। पहले अपने आप को काबिल बनाओ, तजुर्बा कमाओ कठोर मेहनत और परिश्रम से, फिर मांगो ऊपर वाले से अपने हक से, तब देखना सफलता भी हासिल होगा और सफल होने का सुकून भी मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले भी उन्हीं को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करना जानते हैं। दोस्तों, इस तरह की रेगुलर मोटिवेशन डोज के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड।